हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन था हमारा ये, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 cos x अपॉन tan ऑफ 6x। तो पहले देख लेते हैं कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो जब x पाई बाय 2 को जा रहा है तो मेरा न्यूमरेटर कहां जा रहा है, 0 को, बिकॉज cos पाई बाय 2 इज 0, तो ये हो गया हमारा 0। और पाई बाय 2 इसमें रखा तो डिनोमिनेटर कहां जाएगा, tan ऑफ 3π व्हिच इज अगेन 0, तो ये हो गया हमारा 0/0 का फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब इधर क्या है, cos x है मेरा। तो देखो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने पढ़े उसमें साइन होता है हमारा, cos होता है, लेकिन वो 1 के साथ होता है, बट 1 तो अभी हम इधर नहीं लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू साइन। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो लिखने के तो बहुत तरीके हैं, उसमें से वन ऑफ द तरीका इज पाई बाय 2 माइनस x करके। हम पाई बाय 2 प्लस x भी लिख सकते हैं, बट ऐसा लिखने पे क्या हो गया कि अगर x पाई बाय 2 को जा रहा है तो साइन का मेरा आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें फिर मुझे और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे साइन का आर्गुमेंट को जीरो की तरफ लेके नहीं जाना पड़ा, ठीक है ना। नहीं तो एक और स्टेप बढ़ जाता, अगर मैं इधर पाई बाय 2 प्लस एक्स लिखता वो करेक्ट होता, बट एक और स्टेप करना पड़ता, ये मेरा एक ही स्टेप में काम चल गया, क्लियर है। अब नीचे आते हैं, अब देखो, अब अगर एक्स पाई बाय 2 इसमें रखा तो 10 का आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है, 3π को, बट मुझे क्या चाहिए, 10 का आर्ग्यूमेंट 0 की तरफ जाना चाहिए, तो 3π इसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 6x माइनस 3π, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकली ये करेक्ट है या नहीं। तो देखो tan ऑफ 3π माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो हमने उल्टा कर दिया, 3π माइनस 6x की जगह 6x माइनस 3π कर दिया, तो परफेक्ट है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिकली दिस इज करेक्ट, जो ऊपर लिखा एक्सप्रेशन और ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। ऐसा करने पे क्या हुआ, अब हमारा लिमिट में आसानी हुई, क्यों, क्योंकि दोनों साइन का भी आर्ग्यूमेंट और टेन का, दोनों का आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ जा रहा है। अब मैंने कल बताया था तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स में कि अगर साइन का या टेन का आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ जाता है और अगर वो चीज प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी है एंटायर एक्सप्रेशन में, सो आई कैन रिप्लेस देम विद देयर आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं इधर से साइन रिमूव कर रहा हूं और इधर से टेन रिमूव कर रहा हूं, क्लियर है बच्चों। चलो तो अब मैंने इसको फर्दर किया, तो ये हो गया पाई माइनस 2x होल डिवाइड बाय 2, और ये हो गया इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस अपना इधर बचा पाई, ठीक है। तो पाई माइनस 2x, 2x माइनस पाई, माइनस 1 टाइम्स चला गया, तो वी आर लेफ्ट आउट विद माइनस 1/6। तो देखा कितना आसान हो गया क्वेश्चन। तो ये स्टेट शॉर्ट ट्रिक जो है वो याद रखना, ठीक है ना, बहुत मतलब आसान कर देगी चीजों को, ठीक है, बहुत हमारा टाइम बचाएगी। चलो अब मैं नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन था हमारा, लिखते हैं इसको, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 2 ई की पावर एक्स माइनस ई स्क्वायर इनटू ln ऑफ एक्स बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं कि कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो एक्स के 2 रखा तो ये 0 को जाएगा, ln का आर्गुमेंट 1 को जाएगा वो भी 0 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया 2 को रखा तो cos 0 1 माइनस 1 0, तो 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो स्टार्ट करते हैं, तो इस टाइप का फॉर्म तो मैंने बहुत बार करा चुका है, e की पावर समथिंग माइनस e की पावर समथिंग, क्या करते हैं इस e स्क्वायर को कॉमन लेंगे, सो दैट इधर 1 आ जाएगा। तो इधर मैंने लिखा e स्क्वायर कॉमन लिया, तो यू विल गेट e की पावर x माइनस 2 माइनस 1, फिर ln x बाय 2 ऐसे रहने दिया 2 मिनट के लिए, बता रहा हूं क्यों। अब नीचे फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, cos c माइनस cos d, तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin c c plus d by 2, तो x square minus 4 plus x minus 2 divide by 2, 2 sin c plus d by 2, sin d minus c by 2 होता है, तो sin d minus c, तो d minus c हो जाएगा x minus 2 minus x square plus 4 whole divide by 2, याद रखना d minus c होता है, या फिर minus आगे लिख लो इसको, c minus d लिख दो। अच्छा अब देखो, अब देख रहा, अब हमारा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, देखो कितना फास्ट होगा। अब मैंने बोला ये e स्क्वायर को तो बाहर लिखा दिया, तो कांस्टेंट है ये तो बाहर है। अब मैंने बोला ये क्या लिखा है, e की पावर समथिंग माइनस 1, और समथिंग जो है वो 0 को जा रहा है बिकॉज x 2 को जा रहा है, तो दिस e की पावर समथिंग दैट इज e की पावर a माइनस 1 कैन बी रिप्लेस विद a, तो इसको मैं स्टैंडर्ड लिमिट शॉर्टकट से x माइनस 2 लिख सकता हूं, तुम लोगों को अगले स्टेप में लिखना है, ठीक है, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं। अच्छा अब आते हैं ln के ऊपर, तो ln के लिए मैंने क्या बताया था, अगर ln a में अगर a 1 को जाएगा तो दिस कैन बी रिप्लेस विद a माइनस 1, कैसे आता था, प्लस 1 माइनस 1 करते हैं फिर 1 प्लस समथिंग हो जाता है और समथिंग 0 को जाता है, तो वो समथिंग ही तो है, वैसे डायरेक्टली लिखवाया था मैंने ln a
अगर ए वन को जा रहा है, कब है ये, when a is standing towards one, then I can replace with a minus one. तो similarly here also, x अगर two को जा रहा है, तो ln का argument कहाँ जा रहा है, one को, तो इसको मैं क्या replace कर सकता हूँ, x by two minus one. So I am removing here only x by two minus one. चलो अब साइन के ऊपर आते हैं, तो साइन का आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं कहां जा रहा है, तो एक्स अगर टू को जा रहा है तो टू टू द फोर माइनस फोर जीरो, टू माइनस टू जीरो, तो अगेन साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो को जा रहा है, सो आई कैन रिप्लेस दिस विद इट्स आर्ग्यूमेंट, तो इधर से मैं साइन हटा रहा हूं. सिमिलरली दिस साइन ऑल्सो, एक्स अगर टू को जा रहा है तो ये टू माइनस टू जीरो, माइनस फोर प्लस फोर जीरो, सो अगेन आई कैन रिप्लेस दिस विद इट्स आर्ग्यूमेंट दैट इज दिस. तो अब देखो एल्जेब्रिकली में कन्वर्ट हो गया मेरा पूरा, मतलब साइन लॉग वगैरह सब हट गए जो टेंशन वाले प्रॉब्लमेटिक टर्म्स थे. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो इधर मैं एलसीएम लेके एक्स माइनस टू बाई टू लिख रहा हूँ, एक्स माइनस टू होल डिवाइड बाई टू, तो ये टू टू द फोर हो गया, ये फोर और ये टू कैंसिल हो गए, क्लियर है. अच्छा चलो मैं इसको फर्दर लिख लेता हूं, ई स्क्वायर इंटू ऊपर तो लिखा है एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है. अब देखते हैं इधर, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स, एक तो ये लिखा है, और इधर देखते हैं क्या लिखा है, माइनस एक्स स्क्वायर और हमारा प्लस एक्स और प्लस टू. देखो एक बार बच्चों, चलो अब देखो इसमें अगर रूट्स निकालोगे तो दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट सिक्स है, सॉरी माइनस सिक्स है एंड सम इज माइनस वन, तो माइनस थ्री एंड टू, इसके रूट्स होगा माइनस थ्री एंड टू, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू. देखो एक बार ओपन करके, करेक्ट लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, परफेक्ट है. इस वाले टर्म को एक काम करते हैं, पहले माइनस कॉमन ले लेते, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस इधर लिख दिया और ये हो गया माइनस एक्स. तुम लोगों को अगले स्टेप में लिखना है अगेन एंड अगेन, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं बिकॉज मेरे पास ये फैसिलिटी है इधर ही रब करना. अच्छा तो अब मैंने बोला इधर सम ऑफ रूट इज वन, प्रोडक्ट इज माइनस टू, तो क्या होगा, डेफिनेटली एक रूट क्या होगा, एक रूट माइनस वन होगा और एक रूट प्लस टू होगा, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन. देखो एक बार ओपन करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, परफेक्ट है. तो मैं इनको रिप्लेस कर रहा हूं, ये गया मेरा, रिप्लेस हो गया इससे. अब देखो एक एक्स माइनस टू वाला फैक्टर ये कैंसिल हो गया जो इंडिटर्मिनेंसी लेके आ रहा था प्रॉब्लम, एक फैक्टर ये वाला कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट आउट विद माइनस ई स्क्वायर होल डिवाइड बाय हाँ ये एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन. अब एक्स टेंड्स टू टू है, अब तो मेरा इंडिटर्मिनेंसी हट गई है, तो टू प्लस थ्री फाइव और इधर आ जाएगा टू प्लस वन थ्री, तो ये फाइव है और ये थ्री है, तो फाइनली द आंसर इज माइनस ई स्क्वायर बाय फिफ्टीन. आई होप क्लियर हो गया होगा. सो यू कैन सी कि शॉर्टकट से हमारा काफी फास्ट होगा कैलकुलेशन, ठीक है. चलो अब हम नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन इज, हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग है. देखो शॉर्टकट के कारण ये काफी आसान हो जाएगा. लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ, फिर साइन का आर्ग्यूमेंट दे रखा है टेन इनवर्स ऑफ, फिर टेन का आर्ग्यूमेंट दे रखा है एल एन ऑफ, और एल एन का आर्ग्यूमेंट दे रखा है फिफ्थ रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय एक्स. दिस वॉज द क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी. चलो अब इसको देखते हैं, तो मैंने बोला पहले हम देख लेते हैं कौन सा वैल्यू कहां जा रहा है, तो एक्स अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये हो गया कॉस जीरो विच इज वन, तो एल एन वन जीरो, टेन इनवर्स जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है क्या है, इन्फिनिटी इंटू जीरो. अब देखना मैं इधर ही सिंप्लीफाई कर रहा हूं. अब मैंने बोला कि जो आर्ग्यूमेंट है साइन का, अभी हमने देखा कि ये जीरो को जा रहा है और ये साइन जो है दैट इज इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन, सो आई कैन रिप्लेस दिस साइन ऑफ समथिंग विद समथिंग, मतलब उसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकता हूं. मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, यू हैव टू राइट इट सेपरेटली, तो ये हो गया मेरा साइन खत्म यहां से. सिमिलरली नेक्स्ट, अगेन टेन इनवर्स में क्या हो रहा है, उसका आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है, ये आर्ग्यूमेंट किसको जा रहा है, जीरो को जा रहा है, सो अगेन टेन इनवर्स कैन बी रिप्लेस विद दिस आर्ग्यूमेंट, तो इधर से टेन इनवर्स खत्म, ठीक है, ये टेन इनवर्स खत्म. अब मैंने क्या किया, ये फिफ्थ रूट है, तो फिफ्थ रूट मतलब पावर वन बाय फाइव, उसको आगे लिख लिया, तो पावर फाइव आगे आ गई. अब देखना, अब एलन का आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है, एलन का आर्ग्यूमेंट ये तुम्हें अलग अलग स्टेप में लिखना है, ठीक है ना, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं. ये वन को जा रहा है, तो हमने को पता है कि अगर एलन का आर्ग्यूमेंट वन को जाता है तो हम एलन एलन ऑफ ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए माइनस वन से, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं. देखो इस वाले को पूरे को रिप्लेस कर सकता हूं, कॉस ऑफ पाई बाय एक्स माइनस वन, ए माइनस वन, लॉग ए कैन बी रिप्लेस विद ए माइनस वन, और ये मेरा एक्स स्क्वायर बाय फाइव लिखा है इधर. तो सोचो इतना बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमारा शॉर्टकट लगा के काफी सिंप्लीफाई हो गया, काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है. अच्छा अब एक काम कर सकते हो, देखो
हमें वो फॉर्मूला इसको देख के क्लिक करना चाहिए, वन माइनस कॉस ऑफ समथिंग, बट वो समथिंग कहां जाएगा, जीरो को जाना चाहिए, और जा भी रहेगा क्योंकि अगर x इंफिनिटी को जा रहा है तो cos का आर्गुमेंट कहां जा रहा है, जीरो को। नहीं तो एक काम करो, तुम्हें अगर लिखना है तो यू कैन रिप्लेस एक्स वाई वन बाई टी सो दैट लिमिट पहले जीरो की तरफ लेके आओ, बोथ वे यू कैन डू। चलो हम ऐसे कर लेते हैं, मैंने बोला एक बार सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, लेट x इज इक्वल टू वन बाई टी, तो मेरा क्या हो जाएगा लिमिट t टाइम्स टू, लिमिट t टाइम्स टू जीरो, लिमिट t टाइम्स टू जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टी स्क्वायर, और इधर फाइव लिखा ही है, और ये हो जाएगा cos ऑफ पाई इंटू टी माइनस वन, क्लियर है। अच्छा अब x t मेरा जीरो को जा रहा है, अब इसमें क्या करूंगा मैं, एक मिनट ये मैंने गलत लिख दिया, ऐसे लिखूं, अब cos थीटा माइनस वन है तो वन माइनस cos थीटा लिख रहा हूं, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, इसको लिख रहा हूं मैं वन माइनस cos ऑफ पाई टी, वन माइनस cos ऑफ पाई टी। अगेन मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक में कि क्या करेंगे हम, वन माइनस cos a को अगर a जीरो को जा रहा है तो आई कैन रिप्लेस दैट विद a स्क्वायर बाय टू, तो इस पूरे को आई कैन राइट एज ए स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय टू, तो ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल, फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद माइनस ऑफ पाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय फाइव टू जा विच इज टेन। तो देखो काफी सिंप्लीफाई हो गए, क्लियर है बच्चों। चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू वन प्लस साइन ऑफ फोर एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स होल पावर टेन एक्स, ठीक है। चलो तो इसको कैसे किया, पहले देख लेते कौन सा फॉर्म है, तो अगर x पाई बाय टू रखा तो ये हो जाएगा साइन टू पाई विच इज जीरो, कॉस पाई बाय टू जीरो, तो बेस तो बना वन, और 10 पावर टू इंफिनिटी होता है, तो दिस इज अवर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म 1 रेज टू पावर इंफिनिटी। तो अब क्या करें, तो वाला स्टैंडर्ड फार्मूला fx - 1 * gx, तो क्या करते हैं, अच्छा मैं e की पावर में नहीं लिख रहा हूं, लास्ट में जो आंसर आएगा उसको मैं e की पावर में लिख दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं e की पावर में जो लिखते हैं वो लिख रहा हूं fx - 1, तो 1 प्लस sin ऑफ 4x प्लस cos x - 1, दिस इज fx - 1 * एक्सपोनेंट gx मतलब 10x, तो 10x को लिख दिया sin x / cos x। अब देखो जो मेरा साइन एक्स है, एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, दिस इज वन, फाइनाइट है और प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, यहां से इसको वन लिख देता हूं, ठीक है। इसके अब सुनना, ये वन से ये वन कैंसिल, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं लिमिट को, द रीजन इज कि अगर मैं सेपरेट करूंगा तो इधर कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स वन आ जाएगा ना, तो एक लिमिट फाइनाइट आ रही है, तो इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू साइन ऑफ फोर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्लियर है। तो ये तो मेरा वन हो गया, अब इस पे वर्क कर लेते हैं। तो इसको वर्क करने के लिए अगेन ट्रिग्नोमेट्री की मदद से भी कर सकते हैं, नहीं तो वो वाला काम कर सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं इसके आर्ग्यूमेंट को जीरो की तरफ लेके आते हैं। तो देखो मैं पहले इसको रब करके यहां वन लिख रहा हूं, दिस इज वन, ठीक है। हाँ अब मैंने क्या बोला कि इसको हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। देखो एक तरीका क्या है कि मैं इस पाई बाई टू के साइन का आर्गुमेंट कहां जा रहा है, टू पाई को, तो टू इसको मैं टू पाई में से घटा देता हूं, क्या है, तो चलो मेथड वन, मैंने बोला मेथड वन इज इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ, अभी कहां जा रहा है टू पाई को जा रहा है, तो फोर एक्स माइनस टू पाई, करेक्ट लिखा है, और कॉस को मैं साइन में लिख रहा हूं साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। सो अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिकली इट इज करेक्ट, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं है, और ये प्लस वन मेरा लिखा है। अब साइन का जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू पाई, सॉरी जीरो को जा रहा है, अब अगर एक्स पाई बाय टू को जा रहा है तो ये मेरा साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो को जा रहा है, तो आई कैन रिप्लेस द साइन विद इट्स आर्ग्यूमेंट। सिमिलरली नीचे वाला साइन भी उसका भी आर्ग्यूमेंट जीरो की तरफ जा रहा है, तो आई कैन रिप्लेस इट विद आर्ग्यूमेंट। तो अब मैंने क्या किया, अब देखो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर लिखा है टू टाइम्स 2x माइनस वन, सॉरी 2x माइनस पाई, और नीचे लिखा है पाई माइनस 2x होल डिवाइड बाय 2, तो ये इधर आगे 2 आ गया, और प्लस 1 हमारा इधर लिखा ही है, तो यू कैन सी ये फैक्टर इससे कैंसिल हो रहा है, बट माइनस टाइम्स, तो 1 माइनस 4 इज माइनस 3, बट दिस इज नॉट माय आंसर, e की पावर में लिखना है मुझे ये सब, तो आंसर शुड बी e की पावर माइनस 3, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई एक्स पी ऑफ ब्रैकेट में माइनस 3, क्लियर है बच्चों। अच्छा मैंने बोला था इधर और क्या कर सकते थे, इधर हम ट्रिग्नोमेट्रिकली भी कर सकते थे, कैसे देखो साइन 4x को लिख सकता हूं मैं 2 साइन 2x cos 2x अपॉन cos x लिखा है, और लिमिट क्या है लिमिट x टेंड्स टू, देखो ये ज्यादा आसान पड़ेगा देखना,
लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू, तो कॉस पाई, अगर मैंने पाई बाई टू लिखा था तो ये हो जाएगा कॉस पाई विच इज माइनस वन एंड दैट इज इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ दिस लिमिट, सो दिस कैन बी रिप्लेस विद माइनस वन. अब इस साइन टू एक्स को अगेन आई कैन राइट इट एज टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो देख मैं लिख रहा हूं टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है. तो मेरा अगेन साइन एक्स जो है पाई बाई टू पे वन है और ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो माइनस फोर आया, इधर भी माइनस फोर आया था, तो दिस इज बेटर ऑफकोर्स, मतलब थोड़ा शॉर्ट हो गया उसके कंपेरिजन में, वैसे है तो दोनों ही सरल बट दिस इज कंपेरेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग देन दिस वन. ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, cos of 1 by n plus cos of 2 by n plus cos of 3 by n whole divided by 3 और इसकी whole power is n square. ठीक है, I hope सबने try किया होगा. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं इसका solution. तो पहले कौन सा indeterminate form है, infinity रखेंगे तो cos 0 1 1 1, तो 3 by 3 मतलब 1 raised to infinity form है. क्या है हमारा 1 raised to infinity form. अगर 1 raised to infinity form है तो वो e की पावर में लगाते हैं, तो e की पावर, e नहीं लिख रहा हूं मैं अभी, जो e की पावर में जो लगाते हैं fx minus 1 into gx, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा cos of 1 by n plus cos of 2 by n plus cos of 3 by n upon 3 minus 1 into gx that is n square. ठीक है, अब क्या किया, देखो अब देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसको जीरो की तरफ लेके जाना है या नहीं. ठीक है ना, दोनों तरीके से होगा, मैं प्रेफर करता हूं जीरो की तरफ ले जाना. ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको जीरो की तरफ लेके जा रहा हूं, विदाउट दैट आल्सो यू कैन सॉल्व, बट मैं लेके गया. तो मैंने कल मैंने सब्स्टिट्यूशन के लगाया एन इज इक्वल टू वन बाई टी, तो मेरा लिमिट नया वेरिएबल जो होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी जीरो, और ये हो जाएगा देखो एलसीएम लूंगा मैं तो इधर माइनस थ्री आएगा, चलो इसी स्टेप पर कर दे रहा हूं मैं, दिस इज माइनस थ्री. अब माइनस थ्री में एक एक वन तीनों को दे दिया, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ वन बाय एन माइनस वन प्लस कॉस ऑफ 2 by n minus 1 plus cos of 3 by n minus 1 और divide by 3 और this whole into, अच्छा substitution भी कर रहा हूं मैं n को 1 by t, तो 1 by n को इससे इधर ही रिप्लेस कर रहा हूं, t हो गया ये, 2 by n 2t हो गया और 3 by n 3t हो गया. ठीक है बच्चों, और 1 n square क्या हो गया 1 by t square, तो t square इधर लिख दिया. अब क्या करें, अब हम तीनों को सेपरेट कर देते हैं. तो देखो मैं अलग अलग लिख रहा हूं, इसको यहां हटाया, 1 by 3 तो पहले बाहर ले लेते कॉमन है, तो ये t square, इसके नीचे t square और इसके नीचे t square, और नहीं तो शॉर्टकट से भी डायरेक्टली कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन डू विद शॉर्टकट आल्सो डायरेक्टली. इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, पहले तो माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस के फॉर्म में लिखो, तो एक काम करते पहले मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो देखो इसको लिख रहा हूं 1 माइनस cos t, 1 माइनस cos t, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2t, this will be 1 minus cos of 2t and this will be 1 minus cos of 3t, 1 minus cos of 3t. अब 1 minus cos t upon t square, this is what? Half. This is what? My half. इधर मुझे 1 minus cos of something, but something का square नहीं लिखा, कमी का ही है, 4 की कमी है, 4t square होना चाहिए, तो 4 से ऊपर नीचे multiply किया, तो 4 और ये 4. Now this is half. Now here, इधर 1 minus something, but something का square नहीं दिया, 9 की कमी है, तो 9 से multiply किया. Now this is again half. तो देखो finally मुझे क्या मिल रहा है, 1 by 3 times, ये तो half हो गया, plus 4 by 2 plus 9 by 2. तो जो हो गया 4 plus 1, 9 plus 1, 10, 10 plus 4, 14 by 2. तो 14 by 2 मतलब 7, 7 by 3, तो this is 7 by 3. But this is not my answer. इसको मुझे किसमें लिखना है? E की पावर में. So the final answer for this question is E की पावर में 7 by 3. I hope clear हो गया होगा सबका. ठीक है बच्चों? चलो अब हम start करते हैं हमारा नया topic. ठीक है? That is finding limits using expansion. तो पहले video pause करके इसको copy कर लो. मैं इसको rub कर रहा हूँ. क्या बोला मैंने? Now we'll use expansions to find the limits. तो पहले topic लिख लो. Finding limits using expansions. क्या बोला मैं, finding limits using
एक्सपेंशंस, ठीक है। चलो तो पहले मैं लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेज लिख लेता हूं जो हमारे यूज होंगे, कौन कौन से एक्सपेंशन यूज होंगे, पहले वो लिस्ट डाउन कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट वन इज एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये पता भी होगा वैसे बहुत से बच्चों को, मैं इधर लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, दैट्स एक्सपेंशन ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है। तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, दैट यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है ना। इसका और इसका जो प्रूफ है दैट यू शुड नॉट वरी अबाउट, बिकॉज वो हायर मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, व्हेन यू विल बी व्हेन यू विल डू बीटेक ना इन आईआईटीज और एनआईटीज व्हाटएवर कॉलेज देयर यू विल सी सच एक्स। तो उसका वैसे नाम होता है, नाम लिखना है तो मैक्लॉरिन सीरीज होता है, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज, क्या चलो छोड़ो वो नाम की जरूरत भी नहीं है, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज, उसके एक्सपेंशन से इसका प्रूफ होता है उसके थियरम से, ठीक है। अब सेकेंड इसी में क्या किया मैंने, एक्स के माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी ना, मैं एक्स कुछ भी रखू, तो ये लिखा मैंने e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस इवन वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ऑड वालों में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा, प्लस एक्स की पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अच्छा थर्ड वाला, अब मुझे लिखना है लेट से ए की पावर एक्स, तो क्या करें, पहले वीडियो पॉज करके खुद सोचो, मुझे इसकी मदद से e की पावर x की मदद से a की पावर x लिखना है, तो ये जनरलाइज हो जाएगा, इसमें मैं a की जगह e डाल दूंगा तो मेरा पहला वाला आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, पहले मैं इसको e की टर्म्स में लिखा, तो e की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, e की पावर x ln a, देखो सही लिखा है या नहीं, ये क्या x की पावर इसके ऊपर चला जाएगा आर्गुमेंट के ऊपर, तो a की पावर x हो जाएगा, e की पावर ln तो 1 होता है, तो ये a की पावर x लिखा, दोनों सेम लिखे। अब क्या करो, अब इसको देखो, इधर x है तो इधर क्या है x ln a, तो मैं क्या करूं इसी वाली इक्वेशन में जहां जहां x है वहां x ln a लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा LHS, तो मेरा यही बन जाएगा, दिस इज a की पावर x विच इज इक्वल टू दिस e की पावर x ln a, क्या कर रहा हूं मैं इसमें x की जगह x ln a लिख रहा हूं, x की जगह x ln a लिख रहा हूं, तो देखो 1 प्लस x ln a प्लस x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर ln a का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब एल एन क्यूब एल एन ए का क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन रिपीटिंग, क्लियर है, समझ में आया। तो पहले ये नोट डाउन कर लो, अब फिर हम और एक्सपेंशन देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो इसको लिख लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखना ये तो हमें तीन एक्सपेंशन हो गए, अभी तीन क्या वैसे ए है तो एक ही, उसी से हमने बाकी के दो ड्राइव किए, नए नहीं है अभी तक, हमने एक ही देखा, एक तरीके से देखा जाए तो याद करने के लिए तुम्हारे पास एक ही अभी तक e की पावर x। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, तो उसके लिए सबसे पहले sin x का एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा, तो दिस इज x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो यू कैन सी व्हाट इज द पैटर्न, एक तो क्या है ऑड वाले पावर है, सेकेंड नोटिंग सेकेंड थिंग्स टू बी नोटिस ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, ऑड पावर्स है केवल ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, और वो फैक्टोरियल वाला पार्ट है, जो पावर है उसी का फैक्टोरियल नीचे लिखा है, ठीक है ना। सो ऐसे अपने दिमाग में पैटर्न मतलब याद करने के लिए, तो अपने दिमाग अपने हिसाब से सोच लो कैसे याद करना है, ठीक है ना। मेक योर ओन थियरी टू मेमोराइज दिस, मैंने बोला वो याद रखो, वैसे ऑड पावर है प्लस ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, और इस अब क्या होगा कॉस में याद करने में आसानी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कॉस में क्या होगा इवन पावर होगी, तो कौन से स्टार्ट होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें तो ऑड पावर ली थी, इसमें इवन पावर ली थी, जो पावर है उसी का नीचे फैक्टोरियल लिखा है, और दोनों में ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ एक और याद रखना है तुम्हें, दैट इज ऑफ टेन एक्स। देखो अभी तक जो भी हमने पढ़े साइन कॉस ई की पावर एक्स, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो हमें आसानी हो रही है मेमोराइज करने, बट इसमें क्या है कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि टेन एक्स का याद तो करो, बट ओनली फर्स्ट फ्यू टर्म्स, तो मैं पहले दो तीन टर्म लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5 बाय 15 एंड सो ऑन। इससे ज्यादा तीन पावर से कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, कभी कोई क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर जरूरत पड़ रही है तो हम दूसरा अप्रोच लगाएंगे, हम एक्सपेंशन से छोड़ देंगे। तो यू शुड मेमोराइज फर्स्ट थ्री टर्म्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ टेन एक्स, इसमें क्योंकि पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ इतना है कि पावर ऑड आएंगी,
उतना कंफर्म है, बट कॉन्स्टेंट हर बार कुछ और आएगा, देयर इज नो फिक्स पैटर्न। क्लियर है? तो इसका ओनली थ्री टर्म्स यू शुड मेमोराइज इट। क्लियर है बच्चों? तो अगेन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट। अब एक दो एक्सपेंशन और रह जाते हैं हमारे, लॉग का वॉल लिख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट इज लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, ठीक है? लॉग ऑफ वन प्लस एक्स मतलब बेस मैंने ई ले लिया, ठीक है? ई के लिए, ए के लिए भी जनरलाइज कर लेंगे, पहले इसके लिए लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाय फोर एंड सो ऑन। तो इसमें भी पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो इसमें क्या है, एक तो e की पावर x जो था, e की पावर x टाइप का दिख रहा है थोड़ा, बट उधर फैक्टोरियल थे, इधर फैक्टोरियल नहीं है, एक एक नोटिस करने वाली बात। और e की पावर x में क्या था हमारा, सारे पॉजिटिव थे, इसमें क्या ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है। और लास्टली e की पावर x 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये x से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? क्या क्या बोला मैं, e की पावर अगर x में हम इसमें कंपेयर करें, तो सबसे पहला नोट करने वाली बात क्या है, एक तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है इसमें, e की पावर x में नहीं था ऐसा, उसमें सारे ही पॉजिटिव थे। दूसरी बात, उधर फैक्टोरियल्स थे, इधर फैक्टोरियल्स नहीं है, ठीक है? और फैक्टोरियल्स तो खैर हमने जो शुरू के पढ़े, e की पावर x, sin x, cos x तीनों में थे फैक्टोरियल, इसमें नहीं है। प्लस जो e की पावर x था वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये x से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसी में x के लिए माइनस x रख दिया, x के लिए माइनस x, तो एक और हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, log x टू द बेस e का, 1 माइनस x का क्या हो जाएगा, अब सारे नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि देखो e1 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि x को माइनस x से करूंगा, ऑड वालों में एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा, तो ऑलरेडी ऑड वाले पॉजिटिव थे, तो उधर क्या आ जाएगा, माइनस x, माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाय फोर एंड सो ऑन, दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग। और इसी पे मैं एक और लिख लेता हूं, फाइनली लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू द बेस ए, बेस ई नहीं है, तो ई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देते हैं। फर्स्ट आई विल राइट इट एज लॉग ऑफ वन प्लस एक्स टू द बेस ई अपॉन लॉग ए टू द बेस ई, लॉग ए टू द बेस ई तो एक कॉन्स्टेंट है, बस मुझे इसका एक्सपेंशन ऊपर लिखना है। तो फाइनली वी आर गेटिंग वन अपॉन लॉग ए टू द बेस ई को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एल एन ए, और ये हो जाएगा मेरा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन, विच इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाय फोर एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये हो गया हमारे कंप्लीट एक्सपेंशन जो तुम्हें पढ़ने थे। वैसे तो टेक्स्ट बुक्स में इनवर्स का भी दिया होता है, टैन इनवर्स साइन इनवर्स का, बट आई डोंट रिकमेंड टू मेमोराइज दोस, ठीक है ना? विदाउट हमारे उनके एक्सपेंशन की भी उनसे काम चल जाएगा, कैसे चलेगा वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, उसको कॉपी कर लो। अब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे बेस्ड ऑन दिस एक्सपेंशन इन द नेक्स्ट पार्ट।